तो अगर आप रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे तो फ्लिपकार्ट की न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। इस रिपोर्ट के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पर आपको रिपोर्ट सेंटर में रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट जब आप करते हैं, पेमेंट रिपोर्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट करके एक न्यू रिपोर्ट दिखेगी। अब इस रिपोर्ट के बारे में काफ़ी क्वेरीज थी सेलर्स की कि एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है ये एक्चुअल है या नहीं है, या इसमें हम किस तरीके से इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्या यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इस चीज़ के बारे में आज डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और ये वाली वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि पहले मैंने एक रिकंसिलिएशन की वीडियो बनाई थी, उससे हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सेलर पोर्टल पर जाके रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट करके, वन टाइम रिक्वेस्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट डेट रेंज करके रिपोर्ट इसको जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे इन्होंने बोला है कि 15 दिन के बाद ही आप रिपोर्ट जनरेट करिए, मतलब अगर जो आज की सेल है उसका 15 दिन बाद आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आप 15 से 20 दिन वेट करें। जैसे कि अभी यहाँ पर 18 मई आप डेट देख सकते हो ऊपर में, तो मैं मई का नहीं करूँगा, यहाँ पर अप्रैल का करूँगा, राइट। तो अप्रैल 1 से अप्रैल 30 का मैं यहाँ पर डेटा लगा देता हूँ, क्योंकि 18 दिन हो चुके हैं अप्रैल गए हुए, और मैं यहाँ पर रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए लगाता हूँ। तो यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर इस रिपोर्ट को जब आप डाउनलोड करोगे तो रिपोर्ट कुछ इस टाइप से आपको दिखने वाली है। अब इस रिपोर्ट में जैसे मेरे पोर्टल पर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अलग तरीके से ये शो हो रहा है, बट हो सकता है आपके पैनल पर ये अलग तरीके से शो। मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करके रख लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पर आप चेक करिए, ये रिपोर्ट में आप अलग अलग सेगमेंट देखोगे, जैसे ऑर्डर समरी, एसकेयू लेबल, प्रॉफिट एंड लेबल एंड ऑर्डर प्रॉफिट एंड लेबल एंड रिपोर्ट सेक्शन, रिपोर्ट हेल्प। अब सबसे पहले आप रिपोर्ट हेल्प में आएंगे, यहाँ पर आपको हर एक जितनी भी यहाँ पर शीट है उनकी एक समरी दे रखी है कि एक्चुअल में जो रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या चीज़ है, एफएक्यूज़ जो है वो क्या चीज़ है, जो एफएक्यूज़ आप पूछना चाहें वो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं। ग्रॉस यूनिट्स क्या है इसमें, रिटर्न्स एंड कैंसिल यूनिट्स का मतलब क्या है, नेट यूनिट्स का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंस, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसको आप डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑर्डर प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वाली रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये वाली रिपोर्ट लगी, मतलब ये वाली शीट लगी इस रिपोर्ट में, जो कि है ऑर्डर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब जितने भी ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रखे हैं उस डेट रेंज में, जो डेट रेंज आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर जैसे हमारे एक क्लाइंट का मैं देखता हूँ, तो इन टोटल इनको 21,601 जो है वो टोटल ऑर्डर्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इनमें क्वांटिटी भी होगी अलग अलग। ये ऑर्डर रिसीव हो रखे हैं जो कि अप्रैल मंथ के अंदर हो रखे हैं। ऑर्डर आई डी, ऑर्डर आइटम आई डी, एसकी आई डी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, फुलफिलमेंट टाइप आपको मिल जाएगा, फुलफिलमेंट चैनल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इस शीट में फिल्टर लगाओगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि किस एसकेयू के आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप उसको पिवोट टेबल लगा के आप पता कर सकते हो कि टॉप 5 से टॉप 10 एसकेयूज आपके कौन से रहे उस मंथ में। पहला काम आप ये कर सकते हो इसमें। दूसरा, फुलफिलमेंट टाइप आप पता कर सकते हो कितने आपको FBF से आए, कितने आपको non-FBF से ऑर्डर आ रखे हैं, मतलब आपके वेयरहाउस से बेचे आपने, राइट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉलम नंबर F आप देखोगे, इसमें आपको पता चल रहा है कि कितने ऑर्डर फ्लिपकार्ट से आए, कितने शॉप्स से आए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रीपेड और पोस्टपेड का आप यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर प्रीपेड आपके ज़्यादा है बहुत अच्छी बात है, पोस्टपेड अगर ज़्यादा है तो आपको इसमें थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा प्रमोशंस लगाने हैं जिससे प्रीपेड ऑर्डर आपके ज़्यादा बन जाए, राइट। उसके बाद शिपिंग जोन आप यहां पर सेलेक्ट करिए, तो जितना शिपिंग जोन आपका लोकल रहेगा उतना बेहतर रहेगा, लोकल और जोनल होने चाहिए। जितने नेशनल ऑर्डर्स होंगे आपकी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, तो इससे आप ये चीज़ भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट, यहां पर ग्रॉस यूनिट, जैसे मैंने बताया हर आइटम में यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं। रिटर्न एंड कैंसिल यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डेटा, बाकी यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेट सेल्स का, एस्टिमेट सेल्स का, और किस आइटम पर, मतलब किस ऑर्डर आइटम पर, किस ऑर्डर पर कितना आपको चार्जेस लगे हैं, जैसे कमीशन कितना लगा है, कलेक्शन फ़ी, फिक्स्ड फ़ी, पिक एंड पैक फ़ी, शिपिंग फ़ी कितना लगा है, ये आपको यहाँ पर ऑर्डर आईडी वाइज पता चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्लियर हम क्या करते थे, किसी भी ऑर्डर का अगर हमें डेटा पता करना होता था तो हम
प्रोजेक्शन व्यू में जाते थे पेमेंट में, और वहां पे चेक करते थे, वहां पे लिमिटेड डेटा मिलता था और डेटा इधर उधर मिलता था, तो दिक्कत होती थी। अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से ये रिपोर्ट डाउनलोड करके कोई भी ऑर्डर, मान के चलिए ये ऑर्डर आईडी है, तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सर्च करके उस ऑर्डर का डेटा यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपको उस ऑर्डर का डेटा मिल जाएगा, उसके बाद आप उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाली जो शीट है ऑर्डर पीएनएल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाती है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो शीट है उसमें है एसकेयू लेबल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ऑर्डर लेबल हमने देखा, अब हम एसकेयू लेबल पे देखेंगे। तो टोटल आप देखेंगे सेलर के 819 एसकेयूज ऐसे हैं जिनके ऑर्डर्स रिसीव हो रखे हैं। इनमें से अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे टॉप में कौन सा एसकेयू आपका रहा था, वो आप अर्लियर उस वाले पीएनएल से भी लगा सकते हो, इससे भी आप लगा सकते हो। जैसे किसी किसी एसकेयू के यहाँ पर 452 ऑर्डर्स हैं, किसी के 638 ऑर्डर्स हैं, तो ये आपके एक हीरो प्रोडक्ट हो गए, इनको आप और बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा किस एसकेयू में आपको सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, इससे आप उस एसकेयू पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए नेट अर्निंग देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला आप देखो कॉलम नंबर AR, नेट मार्जिन परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स वैल्यू, राइट। इसमें आपको 72%, ये वाले SKU में आपको 72% का जो है वो नेट मार्जिन मिल रहा है, इसमें 76% का, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा है, 76 वाले को हम हमेशा प्रेफर करेंगे, उसमें और एड्स चला के उसको और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके अलावा हम देखते हैं अगर 76 से भी ऊपर कोई है अगर, तो 9, 8, ये 73, 72, राइट। तो मेरे हिसाब से जिस भी प्रोडक्ट पे आपको 70% से ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, नेट मार्जिन उससे ज़्यादा बन रहा है 70% का, वो काफ़ी अच्छा है, उसको आपको और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बट कुछ SKUs आपके यहाँ पर ऐसे होंगे जिनमें रिटर्न्स ज़्यादा हो रहे हैं, जिनमें चार्जेस आपके ज़्यादा लग रहे हैं, सबसे मेन चीज़ कमीशन वगैरह वगैरह ज़्यादा लग रहा है, उनमें आप देखोगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी 23% पे आ गई है, 55 पे आ गई है, कई केसेस में आप यहाँ पर देखोगे 47 पर आ गई है, कुछ केसेस में आप देखोगे 50 के आसपास चल रही है। तो ये एक डेंजर साइन है उस एसकेयू में, या तो वेट आपने ज़्यादा डाल रखा है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा इशू है जिससे उसमें या तो जो कमीशन है वो ज़्यादा लगे हैं, या उसमें शिपिंग जो है वो ज़्यादा लगी है, या उसमें फिक्स्ड फी कलेक्शन फी, कोई ना कोई चार्जेस तो उसमें ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस रिपोर्ट पर आप यहाँ से ये जो शीट नंबर 2 है इसको आप इस तरीके से एनालिसिस इसका कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम फाइनल शीट में, जो फ्लिपकार्ट ने दे रखी है वो दे रखी है हमको ओवरऑल समरी हमारे अप्रैल मंथ की, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन, रिपोर्ट टाइप प्रॉफिट एंड लॉस, और रिपोर्ट का रिसीव ड्यूरिंग, ये मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का निकाला है इतने तारीख को, राइट। तो ये डेट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। क्रॉस सेल्स आप सबसे पहले ये बताता है हमें, क्रॉस सेल हमारी 68 लैक्स की थी जिसमें हमने 39,000 यूनिट बेचे, रिटर्न एंड कैंसिलेशन में हमारा लगभग 16 लाख का लॉस हुआ है, लगभग इतने प्रोडक्ट हमारे रिटर्न एंड कैंसिल्ड हो गए। तो नेट एस्टिमेट सेल हमारी 52 लाख रुपए बताई जा रही है, मतलब हमने 29 लाख ऑर्डर ही बेचे हैं, नियर अबाउट 10,000 ऑर्डर या तो हमारे रिटर्न हो गए या तो हमारे कैंसिल, राइट। अब जो रिटर्न हुए उसमें चार्जेस भी लगे होंगे कुछ, तो वो चार्जेस है 16,24,932, राइट। अब पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये डेटा सही है या नहीं है एक्चुअल में, राइट। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा तोड़ के देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि 52 लैक्स का हमारा जो है वो नेट सेल्स हुआ था, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सारी सेल्स वगैरह हटा के नेट सेल्स हमारी इतनी देखी जा रही है, जिसमें से 21 लाख रुपये जो है वो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे, किस चीज़ में, हमारे रिटर्न एंड कैंसिलेशन वगैरह वगैरह में इतना जो है वो लॉसेस हो गए। इसके अलावा रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स भी हमको मिले फ्लिपकार्ट के एंड से, बैंक सेटलमेंट प्रोजेक्टेड हमारा इतना रहा, और टैक्स इनपुट्स भी मिले हमको कुछ, तो वो इतना रहा। इन टोटल अर्निंग ऑन प्लेटफॉर्म हमारी 35 लैक्स की रही, जो कि मानी जाती है 67.89% हमारा रहा, मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट हमने बेचा है तो हमें इन टोटल 67.89 रुपीज़ मिले, राइट। अगर समरी एंड समरी हम इसकी बात करेंगे कि इसमें से कितना हमारे खाते में आया, तो 31,85,000 ऑलरेडी हमारे खाते में आ चुके हैं बच, और यहाँ पर देखोगे पेंडिंग जो है फ्लिपकार्ट के पास वो हमारा 2,000 रुपये अभी भी, 2,019 रुपये अभी भी पेंडिंग, राइट। तो इन टोटल फ्लिपकार्ट का इस रिपोर्ट से ये कहना है कि अप्रैल महीने में हमने जो हमारे बैंक में सेटलमेंट आया वो आया 31,85,000
83,091 रुपये कितने का माल बेच के, ये है अकाउंटेड नेट सेल्स अगर आप देखोगे तो ये है 52,08,776 रुपये का हमने जो है वो नेट सेल्स किया, इसमें से इतना हमारे खाते में आ गया, राइट। तो इसको बताया जाता है कि ये 67.89% है, बट सबसे बड़ी चीज़ अब कई सेलर इस शीट को देख के भाई खुश हो जाएंगे, भाई हमारे 67% की प्रॉफिटेबिलिटी रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसमें जो चीज़ें हिडन है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी थी, रिसेंटली तो नहीं, 4 महीने इस वीडियो को पोस्ट करे हो गए हैं, लगभग 48 मिनट्स की मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आप फ्लिपकार्ट रिकंसिलेशन लिखोगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो मेरी टॉप में मिल जाएगी। इसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रॉपर आप अपने ऑर्डर्स का रिकंसिलेशन कर सकते हो। मैंने अमेजोन और मीशो पर भी सेम वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बताया है, आपको जिसने वीडियो देखी है वो मुझे बता भी सकता है कि एक्चुअल में जो अभी मैं बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट, इसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रखी, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी वो वीडियो देख लें और उससे आपको डिटेल में पता चल जाए। चलिए शीट नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है कि क्या चीज़ यहाँ पर पेंडिंग रह गया। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पेंडिंग रह गया। अब देखिए जितने भी आइटम हम बेचेंगे उनका एक कॉस्ट प्राइस होगा, ऐसा तो है नहीं कि जितना मैं बेचा जितना आया जो बचा वो प्रॉफिट हो गया, इसमें कॉस्ट प्राइस भी हमारी इन्वॉल्व होती है, तो ये कॉस्ट प्राइस इसमें अभी तक नहीं इन्होंने जोड़ा है। उसके बाद लॉस्ट आइटम, कई आइटम्स हमारे ऐसे होते हैं जो रिटर्न्स के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं, तो वो लॉस्ट आइटम का हमें 0 मिलता है, तो उसका भी एक अलग रीइंबर्समेंट बनता है, राइट। इसके अलावा हमने पैकेजिंग करी तो पर पैकेजिंग पे हमारा 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जितनी की भी पैकेजिंग है उसका भी नुकसान हुआ, वो भी यहाँ पर नहीं जुड़ा है। और एट दी एंड हम GST भी पे करेंगे, एट दी एंड जितना हमारी सेल हुई है नेट से उस पर हम GST भी पे करेंगे, तो वो GST भी यहाँ पर नहीं जुड़ा है, राइट। तो इन टोटल मैं ये बोलूंगा कि जो भी ये रिपोर्ट्स हैं, ये यहाँ पर SKU रिपोर्ट और ऑर्डर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपके बहुत काम की रहने वाली है, इन दोनों के मैंने यूजेस बता दिए, बट ऑर्डर समरी ऑब्वियसली ये देखने के लिए आप बता सकते हो कि हाँ हमारी नेट सेल्स कितनी हुई है, हमारे खाते में कितना आया है, कितना बचा है, बट जो एस्टिमेट प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको इससे भी एक दो स्टेप फर्दर काम करना पड़ेगा, जैसे कि आपको इसमें फिर कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी यूनिट वाइज, फिर लॉस आइटम अपने देखने पड़ेंगे, फिर पैकेजिंग देखनी पड़ेगी, फिर GST देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप नेट सेल्स लगा सकते हो। तो वो नेट सेल्स कैसे निकालना है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, जहाँ पर मैंने क्लाइंट का एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट निकाल के बताया है कि महीने में सेलर ने कितना अर्निंग किया हुआ, राइट। तो ये था ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट का जो नया रिपोर्ट आया है उसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर गई होगी। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, अभी कुछ टेक इशू की वजह से फ्लिपकार्ट पर एक इशू चल रहा है, जहाँ पर रेट को ऑटोमेटिक बढ़ाया जा रहा है, कम करा जा रहा है फ्लिपकार्ट के एंड से, क्योंकि अभी नया कमीशन वगैरह वगैरह आया था फ्लिपकार्ट का, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई दी है, जाके चेकआउट कर लेना। तो वो अभी मुझे लग रहा है टेम्प्ररी ही इशू है, बाकी वो अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, बाकी मुझे लगा ये एड्रेस करना चाहिए इस वीडियो में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और मुझे आप बताना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस टाइप का दिखा रहा है, कितने का प्रॉफिट आपको वहाँ पर शो कर रहा है, कितना परसेंटेज, वो परसेंटेज मुझे ज़रूर लिख के बताना। अगर उसमें मुझे कुछ इनपुट देना होगा अपना तो मैं ज़रूर दे। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।